दोस्तों, दक्षिणेश्वर मंदिर में माता काली का दर्शन करने के बाद आप चाहें तो दक्षिणेश्वर फेरी घाट से बेलूर मठ पहुंच सकते हैं, जो कि इस मंदिर और हुगली नदी के ठीक दूसरी तरफ स्थित है। बोट में बैठकर पवित्र गंगा नदी को पार करते हुए बेलूर मठ जाना आपके बेलूर मठ की यात्रा को और भी अधिक आकर्षक बना देता है। यह हुगली नदी, जो कि भागीरथी हुगली नदी के रूप में भी जानी जाती है और पुराणों में इसे गंगा या कटी गंगा कहा गया है, बेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बेलूर में स्थित है। अलग अलग धर्मों को मानने वाले या धर्मों में विशेष रुचि न रखने वाले लोग भी अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए बेलूर मठ में आते हैं। दोस्तों, दक्षिणेश्वर में माँ का दर्शन करने के बाद आप सीधे आ सकते हैं बेलूर मठ में, जो कि हुगली नदी के इस तरफ है। दोस्तों, गंगा नदी के तट पर बने इस बेलूर मठ की भूमि 40 एकड़ की है और इस मठ के प्रांगण में स्वामी रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद और स्वामी ब्रह्मानंद जी की देहाग्नि स्थल पर उनकी समाधियां और मंदिर अवस्थित हैं। स्वामी विवेकानंद 1898 में इसी मठ भूमि में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पवित्र अस्थि कलश अपने कंधे पर उठाकर लाए थे और पूजा वेदी स्थापित की थी। स्वामी विवेकानंद जी अपने अंतिम दिन इसी बेलूर मठ में गुजारे थे। दोस्तों, यदि आप अपने परिवार के साथ बेलूर मठ में आते हैं तो यहाँ 11:30 बजे के बाद श्रद्धालुओं को भोग या प्रसाद खिलाया जाता है। इसके लिए आपसे किसी भी तरह का कोई फीस नहीं लिया जाता है, आप अपने इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं। यहाँ एक बार में 2000 से भी अधिक श्रद्धालु एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, बेलूर मठ आध्यात्मिक और आंतरिक शांति का अनुभूति कराता है, इसीलिए बेलूर मठ में आना आपको नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, फिर से मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और पर्यटक ब्लॉग को देखते रहिए।